इंडिया आने वाले कुछ ही समय में वर्ल्ड का कैंसर कैपिटल बनने वाला है। इन मोबाइल टावर से निकलने वाला रेडिएशन इसका जिम्मेवार है। आपकी बिल्डिंग के आसपास लगे मोबाइल टावर्स एंटीना की अप्रूव्ड रेडिएशन एक्सपोजर लिमिट 9.2 वॉट पर मीटर स्क्वायर है। गवर्नमेंट और WHO की 25,000 रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक टावर रेडिएशन से कोई भी नोन हेल्थ प्रॉब्लम सामने नहीं आई है, लेकिन देश भर में पिछले कुछ समय में डायग्नोज हुए कैंसर केसेस में सामने आया कि इन सभी के घरों के आसपास डेंस मोबाइल टावर एंटीनास लगे हैं। IIT बॉम्बे के साइंटिस्ट प्रोफेसर गिरीश कुमार ने रिसर्च में साबित किया कि टावर का 50 मीटर एक्सट्रीमली और 50 से 300 मीटर एरिया हाई रेडिएशन जोन होता है, और टावर से निकली ये रेडिएटेड माइक्रोवेव्स एनर्जी आपकी बॉडी के लिक्विड मॉलिक्यूल्स को 900 मिलियन टाइम्स पर सेकंड पर वाइब्रेट करवाकर आपके बॉडी लिक्विड में फ्रिक्शन क्रिएट करती हैं। बॉडी लिक्विड में फ्रिक्शन से आपका DNA डैमेज होता है। DNA डैमेज से ह्यूमन सेल्स म्यूटेट होकर बॉडी में कैंसर क्रिएट करती है, लेकिन आप 24 घंटे टावर रेडिएशन में रहने के लिए मजबूर हैं, और इससे आपकी बॉडी में ये माइक्रोबायोलॉजी इफेक्ट्स के साथ कुछ लोगों में कैंसर हो रहा है। अगर आप भी ऐसी 3D वीडियोस बनाना सीखना चाहते हो तो पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करो।